नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यदि आपने SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान को ले रखा है या फिर लेने की योजना बना रहे हैं, तो SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान में पॉलिसी टर्म के पूरा होने के बाद आपको पेंशन के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा। जो भी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दी जाएगी वह SBI लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करके दी जाएगी। आपको कैलकुलेटर का प्रयोग करना भी सिखाऊंगा ताकि आप आसानी से कैलकुलेटर का प्रयोग करके अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शन का चुनाव कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट आपके रिटायरमेंट के बाद आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है अथवा नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनती है, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का अपडेट आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी के सामने स्क्रीन पर वह पेज जिसमें हमें SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान से संबंधित पूरी जानकारी और कैलकुलेटर दिया गया है ओपन हो रखा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस पेज को ओपन करने के बाद जब हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें कैलकुलेटर मिल जाता है। इस कैलकुलेटर में जो भी जानकारी हमसे पूछी जाती है हमें उस जानकारी को सही सही भरना होता है। नेम वाले बॉक्स में हमें अपना नाम लिखना होता है, डेट ऑफ बर्थ वाले में डेट ऑफ बर्थ, पॉलिसी टर्म वाले ऑप्शन से आपको अपने पॉलिसी टर्म का चुनाव करना होता है। SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट पेंशन प्लान में पॉलिसी टर्म कम से कम 10 साल और अधिक से अधिक 35 साल तक का होता है। उसके बाद हमसे अनुइटी ऑप्शंस के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर हमारे पास कुल 12 से 13 ऑप्शन होते हैं जिनमें से किसी एक ऑप्शन का चुनाव हमें करना होता है। अन्युटी ऑप्शन का संबंध सीधे सीधे हमें मिलने वाले पेंशन से होता है। यदि इस ऑप्शन का चुनाव करते समय हम कुछ गलती कर देते हैं तो उसका फर्क डायरेक्ट हमें मिलने वाले पेंशन पर पड़ता है। इसलिए किसी भी पेंशन प्लान को लेने से पहले हमें अन्युटी ऑप्शंस के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि आपको अन्युटी ऑप्शंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसके बाद हमसे प्रीमियम फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन होता है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। जिस मोड में आप प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं किसी एक ऑप्शन का आपको चुनाव करना होता है। प्रीमियम अमाउंट वाले बॉक्स में आपको प्रीमियम के रूप में दी जाने वाली अमाउंट का चुनाव करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन का होता है। यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन होता है, पहला ऑप्शन रेगुलर, दूसरा लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म और तीसरा सिंगल होता है। रेगुलर का मतलब यह होता है कि पॉलिसी टर्म के अंत तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना है। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का मतलब होता है पॉलिसी से कम समय तक प्रीमियम का भुगतान करना है। और सिंगल प्रीमियम का मतलब होता है कि आपको एक ही बार में प्रीमियम का भुगतान कर देना है। हमारे केस में हम लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन का चुनाव करेंगे जिसके तहत हम 8 साल तक प्रीमियम का भुगतान करेंगे। इस कैलकुलेटर में पूछी गई सारी जानकारी को भरने के बाद जैसे ही हम कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं सक्सेस का मैसेज आता है। इस मैसेज को क्लोज करना होता है। राइट हैंड साइड में हमें हमारी पॉलिसी से संबंधित सारी जानकारी मिल जाती है। यहाँ पर हम ईयरली प्रीमियम के रूप में 1 लाख रुपए का भुगतान कर रहे हैं, प्रीमियम का भुगतान हमें 8 साल तक करना है और पॉलिसी टर्म हमारा 20 साल का है। जब हमारा पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है तो मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में यदि हमें बोनस 8% के हिसाब से मिलता है तो कुल 21,93,210 रुपये का भुगतान किया जाता है। यहाँ पर हमारा जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होता है उस अमाउंट से हमें अन्युइटी परचेज करना होता है और जिस समय हम अन्युइटी परचेज करते हैं उस समय मार्केट में जो भी अन्युइटी रेट होता है उसके हिसाब से हमें पेंशन का भुगतान किया जाता है। अन्युइटी रेट 8 से लेकर 10% तक का हो सकता है। उस समय जो भी अन्युइटी रेट रहेगा उसके हिसाब से आपको पेंशन का भुगतान मंथली, ईयरली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि हम मान लेते हैं
कि 21 लाख पर 8% के हिसाब से एन्युटी मिलता है और हम पेंशन ईयरली मोड में लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में 1,68,000 रुपये लमसम हमें पेंशन के रूप में मिलेगा। और यदि इसी को हम मंथली लेना चाहते हैं तो इस अमाउंट को हमें 12 से डिवाइड करना होता है। तो इस तरीके से हम यह आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में जो राशि हमें मिलती है उस पर हमें पेंशन के रूप में कितना पैसा मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आज्ञा लेता हूँ, जय हिंद जय भारत।